नहीं चल वो तो कर लेंगे की करें। अच्छा धर्मेंद्र क्या मामला था पूरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो कल 7:30 बजे की घटना है हिडवारे गांव से। वो लड़की मेरे रिलेटिव है और वो अभी मेरी कस्टडी में ही है, पुलिस कस्टडी में भी है। उसका मेडिकल चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में, ज्यादा गंभीर हालात था उसकी। और वो 9th क्लास में है, 14 साल की लड़की है। उसके साथ गैंगरेप किया गया है और गैंगरेप जहाँ किया गया वो इसी होटल की 3rd फ्लोर पे गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो FIR की मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी वारदात बताई किस तरह कैसे उसका अपहरण किया कैसे थोड़ा सा वो। देखो जैसे उसने हमारी उस गुड़िया ने बताया कि मैं स्कूल में जाने लग रही थी, गाड़ी आई, गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में डाला। जो हर लड़का जो भी उस गाड़ी के अंदर अब तक जैसे आइडेंटिटी हुई है, हर लड़का 25 साल की उम्र से ऊपर का है। एक लड़का जिसकी गाड़ी थी वो 30 से 32 साल का है। और रही बात है, फिर उसको वहां से जबरदस्ती लेके आके गाड़ी में उसके साथ है, हर किसी ने बदल बदल के सबने गलत काम गाड़ी में किया है। उसके बाद वो गाड़ी वाले उसको यहाँ लेके आ गए। यहाँ आने के बाद उसको ऊपर होटल के 3rd फ्लोर पे लेके गए हैं। ये देखो हमारे रोहतक में, हमारे रोहतक में किस हालात, किस कैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक स्कूल की ड्रेस में एक बच्ची है 14 साल की, उसको होटल का रूम दिया गया। उसके बाद अब प्रशासन अब जा गया है। मैंने कल भी मांग उठाई थी नीलवीर जी से, अब भी कहने लग रहा हूँ इस होटल के ऊपर बुलडोजर चाहिए। 48 घंटे का समय मैं देता हूँ। वो मेरे रिलेटिव है, मैं आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ मेरे किस उसमें रिलेटिव है। मैं 48 घंटे। अच्छा जो आरोपी है वो कहाँ के, कुछ पहचान कहाँ के, गाँव के रहने? आरोपियों की पहचान हुई है, उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, पोस्को एक्ट और 376। तो क्या उसी गाँव के रहने वाले जहाँ की लड़की है? हाँ वो 2 लड़के गांव के हैं और एक दूसरे गांव का, एक साइड में दूसरे गांव का। इसमें होटल वालों की क्या भूमिका देखते हैं आप? होटल वालों की ये भूमिका है, ये देखो ना कितना सरेआम प्रशासन की निगरानी के नीचे सब कुछ 15 अगस्त पास में है। ये देखो स्कूल की बच्ची को किस तरह होटल में रूम दिया जाता है, क्या उसकी आईडी नहीं लीगी? देखे कि स्कूल की ड्रेस में एक लड़की आई है, 14 साल की लड़की को रूम दिया गया। तो अब इसमें क्या डिमांड क्या करते हैं? डिमांड यही है जैसे दूसरे जिलों में होटलों के अंदर बुलडोजर चली हैं, होटल गिराए गए हैं, या अनिल जी से रिक्वेस्ट करता हूं अगर यही चलना है होटल को सील किया जाए। होटल के अंदर जितने भी हैं होटल मालिक समेत और जहां पे ये काम करने लग रहे हैं, देखो वो इसको गंभीर हालात में होटल में छोड़ के गए हैं लड़की को, और गंभीर हालात में बेड पे उसको छोड़ के चले गए। उस होटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म ना करके उस लड़की को उठा के सुप्रा चौक पे छोड़ दिया। उसकी बहुत ज्यादा गंभीर हालत हुई, वहां से उसको सिविल हॉस्पिटल में रखा गया। रात को हो सकता है वो हॉस्पिटल में, कौन उसको लेके गया इस तरह से? तो अगर हॉस्पिटल वाले अगर मना करते तो ये प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता था, रुक सकता था क्राइम ये। नहीं लेकिन होटल वालों ने भी नेगलिजेंसी नहीं, होटल वाले अगर चाहते, पहली बात तो होटल का कमरा नहीं मिलना था, एक ड्रेस में 14 साल की बच्ची को कमरा देने लग रहे, उसकी कोई आईडी नहीं लगी। अच्छा किस टाइम उसको होटल वाले किस टाइम छोड़ के उसको? लगभग वहाँ पुलिस थाने से फोन आता कि लड़की यहाँ पे है, वो लगभग 12 और 1 बजे के आसपास का ये है। ये देखो होटल जितना इसके ऊपर होटल वाले के जो जिन्होंने गैंगरेप किया सब ने मिलके, उससे भी बड़ा क्राइम का ये जो होटल मालिक और जो होटल में जो स्टाफ है वो बनता। नहीं तो 14 साल की बच्ची को बगैर आईडी के कमरा दे दिया गया। दूसरी बात, यह कमरा दिया गया तो उस स्टाफ के लड़के पुलिस को इन्फॉर्म ना करके उस लड़की को खुद वहां छोड़ के आए हैं। हो सकता है गैंगरेप में ये भी शामिल हो, सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। गैंगरेप में 376 के मुकदमे, होटल मालिक समेत पूरा स्टाफ के ऊपर मुकदमा लगाया जाए। मुझे पुलिस प्रशासन से और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, 48 घंटे का टाइम है, 2 दिन का, इसके बाद अगर कुछ हालात पैदा होते तो हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेदार। क्या लगता है कि होटल मालिक को बचाने का प्रयास कर रही है? होटल मालिक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो मैंने मेरे SHO दया से बात हुई, 112 पे, पहले मैंने 112 पे कॉल की गई कि ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे रिलेटिव का किडनैप कर लिया गया गाड़ी में, और ऐसे ऐसे जैसे पता लगा पुलिस ने ट्रेस किए कहाँ से किए हैं, 2 को पकड़ा गया है। मेरी SHO दैया साहब से बात हुई फोन पे, मैंने ये कहा कि जी ऐसे ऐसे मेरे रिलेटिव है उसका किडनैप हो गया, 14 साल की बच्ची। उसने मेरे को कहा कि उड़ा भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर हाल में उनको पकड़ के यहाँ जो जिसने भी जो किया किसी को भी नहीं बख्शूंगा, उनको वहां पे अरेस्ट करके लेके आए। उसके बाद कई सारी चीजें आई हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि होटल को होटल को सील करो, होटल के रूम को सील करो। सबसे ज्यादा कसूरवार तो होटल है, होटल के मालिक है, होटल का स्टाफ जिम्मेदार है। किसी बेटी का के साथ ये होने लग रहा है। दूसरी बात ये देखो,
होटल के अंदर जो हुआ उस बेटी को इस हालात में पुलिस को इनफॉर्म करके होटल वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं उस लड़की को वहाँ छोड़ के आए हैं, हो सकता है होटल वालों ने। तो उस लड़की की हालत अब कहाँ पे हॉस्पिटल में? अभी क्या है, अभी सिविल हॉस्पिटल में है और रात को मेरी निगरानी में थी, वहाँ पे पुलिस भी थी, सब कुछ था, लेडीज पुलिस भी थी हॉस्पिटल में। रात को उसकी लड़की की डॉक्टरी हुई है और डॉक्टरी होने के बाद सैंपल भेजे जाएंगे। अब उसको वहाँ से हालात उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, देखो हो सकता है और लड़की ना भी बच पाए, ऐसी हालात हो ना भी बच पाए और हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। हम अब उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल पर, उसको क्या कोई ड्रग्स को नशा वशा तो नहीं दिया गया? नहीं, अभी वो तो जांच का विषय है, अभी जांच हुए हैं, सैंपल आने के बाद पता लगेगा उसको नशे के हालात में ये किया है या और कुछ भी उसको खिला पिला के क्या किया गया। 14 साल की बच्ची होती कितनी है, जो भी आइडेंटिटी में पता लगे, चारों लड़के, एक तो 30 से 32 साल का लड़का है मुद्रोली किला का बताया जा रहा है और दो गांव के लड़के हैं, एक लड़का और पास के गांव का बताया, सभी लड़के 25 प्लस हैं। जो अरेस्ट किया वो कहां का लड़का? वो जो अरेस्ट किया गया वो गांव का ही लड़का। ठीक ठीक है। सत्य सटीक बेबाक।